तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में सिजान मोहम्मद खान की कस्टडी 13 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तुनिशा की खुदकुशी के बाद सिजान को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे में अगले कुछ और दिनों तक सिजान को पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिजान ने अपने सीक्रेट गर्लफ्रेंड के चैट्स डिलीट कर दिए थे। खबर है कि सिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड टीवी सीरियल एक्ट्रेस ही है और वो मुंबई की रहने वाली है। सिजान अपने जिंदगी में किसी और लड़की के होने की बात से साफ साफ इनकार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पहचान से सिजान का झूठ सामने आ गया है। अब इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड और बाकी लड़कियों से पूछताछ के बाद पता चलेगा कि आखिरी 15 मिनट में आखिर में क्या हुआ था। पुलिस के सामने कई सवाल है, जैसे कि पहला सवाल, क्या सिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में तुनिशा को जानकारी थी या नहीं। सवाल दो, क्या अपनी धोखाबाजी एक्सपोज होने के बाद सिजान ने तुनिशा से रिश्ता तोड़ा। सवाल तीन, क्या आखिरी 15 मिनट में भी सिजान ने तुनिशा की उस लड़की से बात करवाई थी। सवाल चार, सिजान ने तुनिशा से ऐसा क्या कुछ कहा कि उन्होंने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस सिजान से लगातार पूछताछ कर रही है और नए नए खुलासे भी कर रहे हैं।